सही है, कर दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ से अपन को जो है क्लास स्टार्ट करनी थी, और पहली जो न्यूज़ है वो बेंगलोर से संबंधित है। तो देखो क्या है न्यूज़। अभी रिसेंट में एक सर्वे आया है, और सर्वे जो है वो किसने कराया, तो स्टार्टअप डाटा का प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ट्रैक्सिन। इन्होंने जो एक सर्वे कराया, और इन्होंने सर्वे बताया है, जब तक यहाँ पे देखो देखो इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर जो स्टार्टअप के बारे में डिटेल दी गई है, इसके अंदर बताया गया है कि स्टार्टअप अगर भारत की अपन बात करें, तो भारत में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जिनको महिलाएं चला रही हैं, वुमेन के द्वारा चलाने वाले सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कहाँ पर है, बेंगलोर के अंदर। ठीक है, नंबर यहाँ पर आपके सामने इसके लिखे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ डाटा, और इस डाटा के अंदर लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं के द्वारा चलाने जाने वाली जो स्टार्टअप है वो कहाँ पर है, बेंगलोर के अंदर। और दूसरे नंबर पे क्या है, तो दूसरे नंबर पर है मुंबई, फिर मुंबई के बाद में जो है दिल्ली, दिल्ली के बाद में गुड़गांव, गुड़गांव के बाद में पुणे, हैदराबाद। पुणे पुणे के बाद में हैदराबाद है, फिर चेन्नई है, नोएडा है, कोलकाता, फिर अहमदाबाद है। ये टॉप 10 सिटीज़ है भारत की जहां पे जो है स्टार्टअप महिलाओं के द्वारा चलाने जाने वाले। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा स्टार्टअप कहां पर है, बेंगलोर के अंदर, जो महिलाएं चलाती है, और वैसे भी सबसे ज्यादा बेंगलोर के अंदर ही है भारत के अंदर। ठीक है, भारत के अंदर अगर दुनिया में हम कंपेयर करें तो फर्स्ट नंबर पर है सबसे ज्यादा स्टार्टअप यूएसए के अंदर, फिर दूसरे नंबर पर आता है चाइना, और फिर चाइना के बाद में आता है तीसरे नंबर पर भारत, स्टार्टअप के मामले में भी और महिलाओं के द्वारा चलाने जाने वाले स्टार्टअप के मामले में भी। ठीक है, तीनों के अंदर, दोनों के अंदर सॉरी, यही जो है सीक्वेंस है। सबसे पहले भाई यूएसए, फिर चाइना है, फिर भारत है। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन आपसे पूछ लेगी कहां पे होते हैं, तो वो भी बेंगलोर के अंदर ही होते हैं, है ना, बेंगलोर ही चल रहा है सबसे ज्यादा। तो ध्यान रखना, स्टार्टअप भी सबसे ज्यादा कहां पर है, यहीं पे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, महिलाओं के द्वारा चलाए जाने वाले स्टार्टअप्स की लिस्ट है यहाँ पे, और सबसे ज्यादा हाँ वो जो बिजनेस जो नए नए स्टार्ट होते हैं ना, 5 साल का टाइम पीरियड है आपके बिजनेस को खुले हुए, 5 साल के भीतर वाले बिजनेस को जो है स्टार्टअप बोलते हैं, है ना। उसके 5 साल के बाद अगर आपका बिजनेस चल निकला, तो वो फिर एमएसएमई के अंदर डिफाइन कर देते हैं कि भाई एम है, एस ए या एम है, माइक्रो स्मॉल या मीडियम कैसा है वैसा। बाकी जब तक जो है फिर स्टार्टअप कहते हैं, ये 2 साल भी हो गए ना बिजनेस को चलते हैं, तो स्टार्टअप भी काउंट होता है वो। ठीक है, स्टार्टअप के लिए बहुत सारी स्कीमें, लोन वोन बहुत सारी चीज़ें हैं स्टार्टअप्स के लिए, तो बहुत, अभी अपन इससे पहले भी तो पढ़ी थी नीति आयोग वाली कि स्टार्टअप्स को भी फंड करा जा रहा है, तो स्टार्टअप्स के लिए तो बहुत सारी योजना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक रिपोर्ट जिसके अंदर बताया गया कि 2022 के अंदर 72,500 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं भारत के अंदर, एक साल में 72,500 स्टार्टअप्स खुले हैं। ठीक है, तो स्टार्टअप्स खूब खुल रहे हैं बेंगलोर के अंदर, तो आप ऐसा है कि आपको घर से बाहर जाना ही नहीं है, हर चीज़ आपको डोर स्टेप पर अवेलेबल है, तो वो चीज़ें स्टार्टअप्स हैं सारे सारे। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा यूएस में, फिर चाइना में, फिर भारत के अंदर है, अपने भारत के अंदर ना, तो ये अभी लिस्ट आई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद में इसके बारे में अपन ने कल वाली क्लास के अंदर बात करी थी, मैंने आपको कहा था कि ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 हुई है अहमदाबाद गुजरात के अंदर, और इसके अंदर जो है 2-3 चीज़ें डिक्लेयर करी गई है। एक तो ये कि जो उत्तर प्रदेश है उसने अपना स्टेट, धन्यवाद, अपना जो एक्वेटिक एनिमल है वो डिसाइड कर दिया है, सॉरी डॉल्फिन है, इस वाली फिशरीज वाली कॉन्फ्रेंस के अंदर। एक तो मैंने कहा था कि बेस्ट स्टेट जो है वो यूपी गया है इनलैंड फिशरीज के अंदर, अपन ने वो बनाया था ना चार्ट, फ्लो चार्ट बनाया था मैंने यूपी का, उसमें लिखवाई दी लाइन कि मैंने कहा बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है इसको इनलैंड फिशरीज के अंदर, तो वो ये रही। एक इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर गुजरात ने भी अपनी एक्वेटिक एनिमल डिसाइड कर दिया, घोल फिश, वो भी न्यूज़ आई आगे जब और पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसी बारे में अपन ने बात करी थी कल वाली क्लास के अंदर, वो भी है न्यूज़ आगे है उसके अंदर बता देंगे। उसके बाद में सेफ्रॉन यानी कि केसर, और केसर के लिए जो है अभी GI टैग मिला है किश्तवाड़ को। GI टैग कितने साल के लिए मिलता है, 10 साल के लिए। काजू के लिए किसको मिला अभी, गोवा, है ना, तो ये ध्यान रखना। देखो ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे ना, तो ऐसे हिमालय है, और हिमालय से पहले नदियाँ आती थी इधर से, कश्मीर होती हुई, तो वो अपने साथ में मिट्टी लेके आती थी, खादर जिसको बोलते हैं अपन। जम्मू कश्मीर आप जाओगे ना, एक पर्टिकुलर लोकेशन है, बस एक पर्टिकुलर एरिया है, वहीं पे वो मिट्टी है,
और उसी मिट्टी के अंदर केसर उगती है बस, और कहीं नहीं उगती पूरे भारत के अंदर। ये फूल है केसर का, इसके अंदर जो ये रेड रेड आपको दिख रही है ना, यही केसर है, यही निकलती है, इसी को सुखा के फिर वो जो केसर जो आप यूज लेते हैं वो ये। अब आप इसको देखेंगे ना तो आपको शायद ये मिट्टी जो है वो थोड़ी अलग तरीके की दिखेगी इसकी। तो मैंने एक फोटो नहीं ली खेत की, वरना आपको दिखती एक पर्टिकुलर एक अपर सरफेस है, मतलब एक उठा हुआ भूमि है पूरी, वो पूरी भूमि है उसी पर ही केसर उगती है और कहीं केसर नहीं उगती। सबसे महंगी फसल अगर कोई है तो वो ये है केसर। केसर बहुत महंगी है ना, ओरिजिनल तो बहुत रेयर मिलती है, जनरली इसके जो है डुप्लीकेट यहाँ चलते हैं। जहां पे किश्तवाड़ के अंदर ही होती है, तो किश्तवाड़ के अंदर जिस एरिया में होती है उस एरिया को बोलते हैं मंडल, जहां पे केसर उगाई जाती है। और जम्मू कश्मीर के अंदर उगती है तो आपको पता ही है केसर जो है काफी एक्सपेंसिव है, और इसको जो है अभी रिसेंट में किश्तवाड़ को जो है जीआई टैग मिला है। 10 साल के देते, पहला जीआई टैग किसको दिया था? दार्जिलिंग चाय को, है ना। कब दिया था? 2004 के अंदर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना भाई बातें। ठीक है, किश्तवाड़ को अभी जो है केसर के लिए जीआई टैग दे दिया है। ठीक है, उसके बाद में लिथुनिया और भारत के बीच में जो है एक मीटिंग हुई है। ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है नहीं। अभी क्या है कि लिथुनिया और भारत के बीच मीटिंग हुई है। भारत की तरफ से जो है सेक्रेटरी संजय वर्मा, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, वो इसके अंदर गए थे और इन्होंने जो है पार्टिसिपेट करा है। इंडिया के अंदर ही मीटिंग हुई है और बेसिक सी जो बातें हैं कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात हुई है, इंडिया का जो प्रेसिडेंसी रही G20 उसके ऊपर बात हुई है, मल्टीलेटरल फोरम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसकी रिगार्डिंग बात हुई है लिथुनिया और भारत के बीच में ना। ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये रहने देना, भली मत पढ़ना नोट्स के अंदर अगर आप लिख रहे हो कहीं तो। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट सी न्यूज़ है, एक दो बार मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस करा हुआ है। मैंने कहा पृथ्वी का तापमान, ग्लोबल टेम्परेचर, जिस दिन 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा उस दिन जो है बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन के अंदर हम चले जाएंगे। कंटिन्यू मैंने कहा कि हर हर जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, उसके अंदर हर रिएक्शन के अंदर हीट निकलेगी, चाहे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो चाहे कोई प्रोसेस हो, सब में हीट रिलीज होगी। जैसे ही पृथ्वी का ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, और मैंने आपको बताया कि 1.5 डिग्री बढ़ चुका है, ये चीज़ अपन बात कर चुके थे कि 1.5 डिग्री जो है टेम्परेचर हो चुका है। इसी वजह से अभी ये सारी चीज़ें चल रही है कि है ना ग्लोबल वार्मिंग को कम करा जाए, ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट जो है वो कम करा जाए, ताकि पृथ्वी को वापस कंट्रोल करा जाए, पुरानी वाली स्टेट के अंदर लाया जाए। इसी वजह से कार्बन न्यूट्रल वाली जो टर्म है, ये सारी टर्म जो है इसी वजह से चल रही है। और अभी यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट ये कह रही है कि ये 100 साल जो सेंचुरी चल रही है ये खत्म होते होते भारत अपनी जो धरती का टेम्परेचर है वो 2 छोड़ो 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जिस हिसाब से अभी हालत चल रही है। इसके अंदर लिखा भी है वर्ल्ड जो है वो वार्मर एटलीस्ट 3 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। ये शतक जो सेंचुरी वाला जो टाइम पीरियड है ये खत्म होते होते जो है धरती का जो तापमान है वो 3 डिग्री तक चला जाएगा। देखो एक मैंने एक फोटो लगाई है कि क्या चीज़ें चेंज होने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये आपको फोटो दिख रही है, अभी 1.5 डिग्री वाली बात कर रहे हैं अपन, ये अपने अभी हो रही है ये तो, और 2 डिग्री अगर हो जाती है 2 डिग्री तो क्या हालत होती है। जैसे प्लांट स्पीशीज जो है वो भी 8% के हिसाब से खत्म हो रही है, पर 2 डिग्री होती है 16% डबल हो जाएगी इसकी रेट प्लांट स्पीशीज खत्म होने की। छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं इनकी स्पीशीज खत्म होने की जो रेट है वो 6% है। आने वाले टाइम में अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड होती है तो 18% की स्पीड से जो है ये खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही कोरल रीफ के अंदर है, कोरल रीफ 70-90% खत्म होना स्टार्ट हो गई है, और ये 99% तक बढ़ जाएगी अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी। जैसे ये एक्सट्रीम हीट 14% रहेगी, जिसको बढ़ के 37% हो जाएगी, और ऐसे ही बर्फ़ का पिघलना, सी आइस फ्री जो है ये 100 साल में एक बार होता है, जो अब आने वाले टाइम के में 10 साल में एक बार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेगी। ये कब बनेगी? जब 2 डिग्री तापमान हो जाएगा, और रिपोर्ट कह रही है कि आप मान के चलिए 2100, यानी 2023 चल रहा है ना, अपन बात करें लास्ट ईयर 99 तक, ये टेम्परेचर 3 डिग्री हो जाएगा। तो भैया देख लो कि क्या हालतें होने वाली है, हैं? कहाँ निपटोगे 99 तक? तो 99 तक तो जी जाओगे, अरे कैसे नहीं जियोगे? यार 99 तक तो जी जाओगे, 2099 तक नहीं जी पाओगे। अब 23 चल रहा है, 80 साल और अभी कितनी, अच्छा शताब्दी तो कहाँ जियोगे तुम। भारत के अंदर आने वाली जनरेशन की हालत खराब है, अपन तो जी लेंगे, मतलब अपन ढंग से निकल लेंगे आराम से। और वैसे भी जो जनरेशन आ रही है वो टिकटॉकर वालों की, उनके लिए वैसे भी कुछ बचाना नहीं है अपन को। एक वो तुमने वो रीले देखी होगी ना, वो बोले इनके लिए हम पानी बचा रहे हैं, इनके लिए जल बचा रहे हैं, तो वही अपन को करना है। अपन ढंग से यूज़ कर ले आराम से, आने वाली जनरेशन अपने हिसाब से देखती रहेगी। ठीक है, देखो उसके बाद में क्या हुआ है,
सिविल एविएशन डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन। देखो सिविल एविएशन के अंदर क्या है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे एक जिसके लिए अभी इन्होंने एयर इंडिया के ऊपर 10 लाख का फाइन लगाया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है कि अगर आपकी फ्लाइट 8 घंटे से ज़्यादा डिले होती है तो ये फ्लाइट ऑपरेटर का काम है कि आपको होटल का अकोमोडेशन प्रोवाइड कराए, है ना, ताकि आप वहाँ पर आप स्टे कर सकें जब तक फ्लाइट आपकी डिले है, अगर 8 घंटे ज़्यादा डिले होती है तो। एयर इंडिया ने क्या करा, एयर इंडिया की बहुत सारी फ्लाइटें जो है वो डिले हुई पर उसने अकोमोडेट प्रोवाइड नहीं कराया, तो ये काफ़ी कंप्लेन जारी थी और उसी कंप्लेन को देखते हुए डीजीसीए ने जो है इसके ऊपर इंक्वायरी करी और दिल्ली कोच्ची और बेंगलोर वाले एयरपोर्ट पे इनके इंस्पेक्शंस करे गए और इसमें जो है एयर इंडिया का जो है काफ़ी फॉल्ट पाया गया और उसके बाद में इनसे क्वेश्चंस करे गए पर उसका सेटिस्फैक्ट्री इन्होंने जवाब दिया नहीं, तो 10 लाख का जो है इनके ऊपर फाइन लगा दिया कि कस्टमर को जो कस्टमर को जो सर्विसेज देनी है वो उन्होंने प्रॉपर नहीं दी, उस वजह से इनके ऊपर फाइन लगाया है 10 लाख रुपये का भी। ठीक है, ये ध्यान रखना। डीजीसीए के जो हेड हैं उनका नाम है विक्रम देव दत्ता और डीजीसीए जो है जिस मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, कौन, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, कांग्रेस के अंदर हुआ करते थे पर अपना स्मार्ट मूव दिखा के बीजेपी में आ गए और आज मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये भी ध्यान रखना सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये डिपार्टमेंट। मंत्री का ज्योतिरादित्य सिंधिया, उड्डयन मंत्री हैं हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर सिविल एविएशन मिनिस्टर, उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सुने हुए नाम नहीं है कि ये तो भाई ग्वालियर के राजा हैं भाई। वसुंधरा राजे के बुआ के लड़के, बुआ के लड़के वसुंधरा के। वसुंधरा राजे सिंधिया वहीं की ना जाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ग्वालियर भाई, ग्वालियर बता दे रहा हूँ। धौलपुर राज परिवार में शादी हुई थी उसना राजे की, उसकी बाद की बातें फिर अपन लाइव पे बात नहीं करेंगे, ऑफ करने के बाद पूछना। ठीक है, तो डीजीसीए ने जो है 10 लाख का फाइन लगाया एयर इंडिया के ऊपर, ध्यान रखना। उसके बाद में आईआईटी रोपड़, और आईआईटी रोपड़ जो है अभी रिसेंट के अंदर अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी सतलज के अंदर और वहां पे सैंपल कलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था और सैंपल कलेक्शन का जब इन्होंने प्रोसेस करा और बाद में उस पर स्टडी करा तो उनको मालूम पड़ा कि इनके पास में एक यूनिक सा जो है रेयर मेटल, ध्यान रखना मिनरल की बात नहीं करें, रेयर मिनरल भी होते हैं, रेयर मेटल इनको मिला है जिसका नाम है टेंटलम। ठीक है, टेंटलम मिला है, कहाँ पे मिला है, सतलज बेसिस के अंदर, बहुत छोटे से अमाउंट के अंदर मिला है ये, तो ये एक अभी बताते हैं इसके बारे में। पहले देखो केमिकल कहाँ पे आता है, ये एक चीज़ ध्यान रखना, एक होता है रेयर अर्थ मिनरल, एक होते हैं रेयर मिनरल्स, ये इंपॉर्टेंट है। जो अपन ने बात करी कि स्वीडन के अंदर अभी इसका भंडार मिला है रेयर मिनरल्स का, 17 होते हैं टोटल, ध्यान रखना 17 कौन कौन से है, तो 14 तो ये लेंथेनाइट सीरीज के और 3 ये वाले, एक कलर के जो आपको दिख रहे होंगे 17, 14 तो ये लिखे हुए और 3 वो रहे। ठीक है, अपना मिला है टेंटलम और टेंटलम जो है वो ये रहा 73 के ऊपर, तो इसका लिख लेना बोलिए अगर आपको लिखना हो तो, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 73 है और ये जो है इसका, इसकी जो बेस्ट क्वालिटी है वो ये कि ये नॉन कोरोसिव होता है, मतलब इसके ऊपर जंग नहीं लगता। ठीक है, जंग रहित या जंग रोधक रहता है ये। ठीक है, इसके ऊपर जंग नहीं लगता और ये अभी रिसेंट में मिला है सतलज के अंदर मिला है। ठीक है, क्वांटिटी वाइज बहुत कम था, छोटा सा ही मिला है, ज़्यादा कुछ नहीं है, पर एक होप दिखी है कि अब यहाँ पे अगर एक्सकेवेशन करेंगे तो हमको और मिनरल्स या और मेटल जो है वो मिल सकते हैं। काम के लिए हमारे लिए आईआईटी जो है वो 2-3 आईआईटी आप ध्यान रखें, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर चल रही है अभी आईआईटी, और सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ आप स्टार बना के अलग याद ही रख लेना इसको, तो ये क्वेश्चन ऐसी गट फीलिंग है मुझे कि जल्दी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आईआईटी मंडी के अंदर क्या हुआ है कि अभी COP28 की मीटिंग खत्म हुई है और COP28 के अंदर इसको बेस्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला है, बेस्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला है इसको,
बेस्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड, और कहाँ पे दिया है तो ध्यान रखना COP28, दुनिया के अंदर वो यूनिवर्सिटी जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रही है, हरित ऊर्जा के ऊपर काम कर रही है, उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। और IIT मंडी को अवार्ड मिला है पूरी दुनिया के अंदर, और COP28 में दिया है, तो इम्पोर्टेंट है ही ये, ठीक है? तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें। हाँ, पूरे पूरे वर्ल्ड में मिला ना, IIT मंडी को मिला, इसलिए कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना IIT मंडी, है ना? हाँ, वही हिमाचल प्रदेश वाली, हिमाचल प्रदेश के अंदर IIT मंडी, इनको ये अवार्ड मिला है, ध्यान रखना, बेस्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड। उसके बाद में एक और IIT, वो है मद्रास। मद्रास हमें क्यों ध्यान रखनी, क्योंकि मद्रास ने पहली बार आउट ऑफ इंडिया अपनी एक ब्रांच खोली है जंजीबार के अंदर। जंजीबार, और जंजीबार कहाँ पे है, तो तंजानिया के अंदर, और हेड का नाम है प्रीति, ये भी ध्यान रखिए, प्रीति अलगा है या। और उसके बाद में IIT दिल्ली, इन्होंने अपनी ब्रांच खोली अबू धाबी के अंदर। ठीक है, तो ये IIT मद्रास, मंडी और दिल्ली, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। हटा दूं? ठीक है। उसके बाद में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है तेलंगाना के अंदर अभी अनवील कर दिया गया है, ठीक है? 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में, अब इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ ध्यान से सुनना। एक तो तेलंगाना में कौन से जिले के अंदर, तो सिद्दीपेट जिला, और सिद्दीपेट जिले के अंदर कहाँ पे, तो जगह है बुर्गुपल्ली, यहाँ पे ये मंदिर बनाया गया है, ठीक है? 3D प्रिंटेड मैंने आपको वैसे बताया, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल पी दबा के एंटर मारो प्रिंट होकर मंदिर बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपने CNC मशीन देखी, CNC मशीन होती ना, CNC मशीन के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे अभी आप टाइलों के ऊपर डिज़ाइन देखना कटी हुई, तो वो क्या करते हैं, अपन उसका डिज़ाइन फॉर्मेट उसमें फीड कर देते हैं, कंप्यूटर रहता है उसके अंदर, फिर आप एंटर मार के आप टाइल रखोगे ना नीचे, तो ऑटोमेटिकली वाटर जेट से वो कट के वैसी वैसी टाइल बन जाएगी। वैसा ही कुछ प्रोसेस इसके अंदर होता है, पर इसके अंदर क्या होता है, बहुत बड़े बड़े रोबोटिक आर्म्स होते हैं, आप उसका डिज़ाइन डाल दो और फिर वो सीमेंट की स्लरी जो होती है ना, उससे वो एक बिल्डिंग जैसा शेप जो है वो तैयार कर देगी फटाफट, है ना? टाइम तो लगता है पर बन जाती है जल्दी, है ना? तो ये ध्यान रखना, इसी का मंदिर जो है अभी पहला बना रहे हैं, पहला बन गया है दुनिया के अंदर, तेलंगाना के अंदर सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बुर्गुपल्ली जगह है। कौन सी कंपनी बना रही है, तो अपसुजा इंफ्रा नाम है कंपनी का, अपसुजा इंफ्रा, हिंदी के अंदर ऐसे और इंग्लिश के अंदर अपसुजा, APSUJA, ये कंपनी है जो मंदिर बना रही है, ठीक है? अपसुजा इंफ्रा जो ये मंदिर बना रही है। ठीक है, अब देखो मंदिर, ये जो 3D प्रिंट, यार है समझ गया मैं, इसमें क्यों नहीं दिखा वो तुम्हें मंदिर। ठीक है, ये वो मंदिर है, ठीक है? अब ये बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर ये देखो ये कलर जैसा बन रहा है, जो गणेश भगवान का मंदिर है ये मेन मंदिर है। अब इसको बनेगा कैसे, तो मैं आपको इसकी इमेज दिखाया था, जैसे ये अभी जो अपन ने कलर देखा ना वो ये रहा, दिख रहा ना, ये वो कलश है, और ये जो मंदिर का इतना इतना हिस्सा भी अपन ने देखा था जो बन गया है, इतना इतना हिस्सा बन गया है ना, तो ऐसा मंदिर बनेगा ये कंप्लीट होने के बाद में, पर अभी इसने शेप लेना स्टार्ट कर दिया है, तो ये उसको बताया कि भाई इस तरीके से जो है मंदिर बन रहा है,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई। और कहाँ बन रहा है, तेलंगाना के अंदर। अपने काम के लिए जो चीज़ें हैं वो है कि इस साल 3D प्रिंटेड हमने क्या क्या पढ़ लिया, वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे एक तो अपन ने पढ़ा पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो बेंगलोर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में जो है, अरे अब तुम लिख लो सारे सारे बस, घर IIT मद्रास, आर्मी के लिए अलग से घर बनाए हैं इस बार, पहली बार आर्मी हाउस, आर्मी हाउस बने हैं अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, उसके बाद में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, रॉकेट इंजन 3D प्रिंटेड ये बनाई है अग्निकुल कॉस्मोस ने, अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी है उसने बनाया है। ठीक है, 3D प्रिंटेड रॉकेट। उसके बाद में क्रायोजेनिक इंजन, 3D अहमदाबाद क्रायोजेनिक इंजन 3D प्रिंटेड ये बनाया स्काई रूट एरोस्पेस ने। स्काई रूट एरोस्पेस जो है इन्होंने बनाया क्रायोजेनिक इंजन, पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट, और पहला पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है ये बनाया है रिलेटिविटी स्पेस कंपनी है यूएस की, रिलेटिविटी स्पेस। और ये कंपनी कहाँ की है, तो ये यूएसए की है, और इन्होंने इस रॉकेट का नाम दिया है टेरेन 1। टेरेन 1, ठीक है, ये तो कुछ काम की हो गई। एक केरल के बारे में ध्यान रखना, अमेश 23, अमेश 23 ये केरला की पहली बिल्डिंग बनी है अभी, केरला की 3D प्रिंटेड है ना, केरला की, केरलास फर्स्ट 3D प्रिंटेड बिल्डिंग। ठीक है, केरला की पहली बिल्डिंग बनी है जिसका नाम रखा है अमेश 23। ठीक है, तो ये कुछ 3D प्रिंटेड जो इस साल काफी ज्यादा हाईलाइटेड थे बने हैं। उसके आगे अग्निकुल कॉस्मोस नाम है कंपनी का, चेन्नई की कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, इन्होंने बनाया है क्रायोजेनिक इंजन, बनाया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। और रॉकेट जो है वो बनाया है रिलेटिविटी स्पेस ने। टेरेन 1 रॉकेट का नाम रखा है। ठीक है, और अमेश 23 अभी केरला के अंदर एक बिल्डिंग बनी है जिसका नाम है अमेश 23। इसराइल ने जो है खरगोश की आंख में 3D प्रिंटेड कॉर्निया लगाया है, और सक्सेसफुली काम भी कर रहा है, तो देख ले, ये भी आप याद रखो तो भली, खरगोश की आंख में 3D प्रिंटेड कॉर्निया लगाया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीज़ें 3D प्रिंटेड अभी काम की, हटा दो नहीं तो 1 मिनट लगेगा। और ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, ये कुछ काम काम की चीज़ें हैं। उसके बाद में एक MOU साइन करा गया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और इस्कॉन के बीच में, इस्कॉन का फुल फॉर्म ये लिखा हुआ, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो ये जो है इन दोनों के बीच में MOU साइन करा है। किसके लिए MOU साइन करा है, तो नशा मुक्ति के जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उनको बढ़ाने के लिए इस्कॉन के साथ में टाइप करा है सरकार ने, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को और जो उनके डिसिबल से शिष्य हैं उनके अंदर अवेयरनेस फैलाएं नशा मुक्ति को लेके, और कैंप जो है वो अपने जो उनका ये अब जो टेंपल वाला जो रीजन है वहाँ पे अवेयरनेस कैंप जो है चला सके नशा मुक्ति के लिए, उसके लिए इन दोनों के बीच में जो है एक MOU साइन हुआ है नशा मुक्ति अभियान के तहत। ठीक है, किस किस के बीच में, तो MOU साइन हुआ है इस्कॉन के बीच में और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के बीच में। उसके बाद में परख
परख मैंने अपने इसके बारे में बात करी हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो है परख आया था। देखो क्या है सरकार का कहना इसके अंदर, तो देखो सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है 5-3-3-4 के पैटर्न के अंदर, ठीक है। इस पैटर्न के अंदर पढ़ाई होगी आने वाली एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो जब लागू हो जाएगी। अब है क्या, बहुत सारी सरकारी स्कूलों के अंदर क्या है कि आपको 8th तक फेल नहीं करना है, बच्चे को 8th तक पास करना ही पड़ेगा, है ना, ताकि एडमिशन ड्रॉपआउट्स जो है वो कम से कम रहे, तो इसलिए 8th तक पास करते हैं। अब 8th तक पास करने में मैथमेटिक्स के अंदर बच्चे के साथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो पहुंच तो गया 6th क्लास के अंदर, पर उसको 3rd क्लास की कैलकुलेशन करना ही नहीं आ रही, क्योंकि स्कूल में जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो जब वो 6th क्लास के अंदर पहुंच गया उसको 3rd की बात ही नहीं आ रही, तो फिर 6th क्लास में पढ़ने का मतलब क्या है। तो सरकार ने एक रेगुलेटर बनाया है जिसका नाम है परख। परख का काम क्या है, तो परख का काम यह है कि वो हर एक लेवल पे परखेगा और देखेगा कि जिस क्लास में आप हो उस क्लास की नॉलेज आपके अंदर आई है या नहीं आई है। अगर आ गई तो फिर वेल एंड गुड, नहीं आई तो फिर अलग मेथड जो है वो यूज़ कराए जाएंगे, जैसे खेल के माध्यम से चीज़ें याद कराई जाएगी, समझाई जाएगी, गानों में जो है चीज़ें याद कराई जाएगी, तो ऐसे अलग अलग मेथड जो है वो यूज़ कराए जाएंगे, उसको लेके रेगुलेटर बनाया गया है परख। अब है क्या बात, अभी सीटी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये राजस्थान सरकार की सीटी के अंदर कि परख किससे संबंधित है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना एजुकेशन पॉलिसी से। परख ने क्या करा है, अभी रिसेंट के अंदर भारत की स्कूलों के अंदर सर्वे करा है और जो उसका टास्क जो उसको दिया था कि भाई आप एक बार देखें बच्चों का नॉलेज लेवल कैसा है, उसके लेके जो उसने जो अपना टास्क पूरा करा है अभी रिसेंट में कंप्लीट कर लिया है सर्वे, तो परख ने जो है अपना सर्वे जो है पूरे भारत के अंदर कवर कर लिया है। इसमें इसने 3 लाख से ज़्यादा स्कूलें जो है वो कवर करी है, पर इंपॉर्टेंट बात ये कि इसने जो है कुछ 5 राज्य छत्तीसगढ़, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ये जो कुछ राज्य हैं इनके अंदर नहीं करा है, ठीक है। इनके अंदर नहीं करने का कारण ये कि एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट चल रहा है प्रोजेक्ट स्टार करके, एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट स्टार करके। प्रोजेक्ट स्टार के अंदर क्या है, तो प्रोजेक्ट स्टार के अंदर ये है कि इन राज्यों की स्कूलों को पैसा जो है डेवलपमेंट का फंड पैसा दे रही है वर्ल्ड बैंक, अपने राजस्थान के अंदर भी सरकारी स्कूलों को डेवलपमेंट करने का वर्ल्ड बैंक जा रही है पैसा देना, तो इस वजह से अभी इन राज्यों के स्कूलों को जो है इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करा है ना, बाकियों को इन्वॉल्व करा है कि इन केस तो ये अभी इनको जो है इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कराया, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, इन राज्यों के स्कूलों को जो है इन्वॉल्व नहीं कराए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के एक प्रोजेक्ट स्टार से संबंधित है और वहाँ का स्कूल का डेवलपमेंट का पैसा जो है वो ये वर्ल्ड बैंक दे रहा है। इसके बाद में जो मैं ये बता रहा था अभी आपको कि गुजरात ने जो है डिक्लेयर कर दिया है घोल फिश जो है अपने स्टेट की जो है एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर दी है घोल फिश। ये उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर करी है जो भी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस चली थी ना अहमदाबाद के अंदर, उसी के अंदर करी है। एक तो यूपी को बेस्ट स्टेट डिक्लेयर करा है और एक इनको डिक्लेयर करा है, ठीक है, घोल फिश, ठीक है। अब इसके अंदर है क्या घोल फिश, देखो गुजरात जो है ड्राई स्टेट है, ऐसे ही बहुत सारे जने मंगल और शनिवार नहीं खाता, तो वो जस्टिफिकेशन अगर कोई दे तो उसको बता देना भाई, जो मानता हो कि ये सारी चीजें वेजिटेरियन होती है। गुजरात के अंदर जो है इन्होंने अभी अपनी एक्वेटिक एनिमल जो है वो डिक्लेयर कर दिया इसको, ये घोल फिश है ना। और गुजरात के बारे में यहां पे डिटेल आपको पता ही है, कैपिटल क्या है गुजरात की, गवर्नर आचार्य देवव्रत, और सीएम भूपेंद्र जोगी, डांस है गरबा।
ठीक है, ये रही वो मछली, घोल मछली, ठीक है। उसके बाद में गुजरात के अंदर अभी रिसेंट में गांधीनगर के अंदर जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसको होस्ट करा था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI ने, और इसके अंदर जो है पूरी दुनिया भर से 4000 से ज़्यादा डेलीगेट्स आए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। और कुल मिला के कॉन्फ्रेंस इसलिए करी गई थी कि आने वाले टाइम के अंदर किस तरीके से कंट्रीज़ की इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है, क्या इनका रोल रहेगा, उसको लेके जो है बातें करी गई थी। इसको इनॉग्रेट जो है वो किसने करा है, तो जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसको जो है इनॉग्रेट करा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है यूपी के अंदर, और ये पहला एक्सप्रेसवे बन जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो सोलर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जिसको सोलर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। कितनी सोलर एनर्जी डिक्लेयर करेगा, ये जनरेट करेगा, तो ये करेगा 550 मेगावाट, ठीक है। देखो अब अपन काम की बात सुनते हैं, इसके अंदर न्यूज थोड़ी बड़ी है, ये आराम से समझना। एक तो ध्यान रखना एक्सप्रेसवे जो है वो सारे जमीन से ऊपर बन रहे हैं, आप देखना एक सर्टेन हाइट के ऊपर जाके एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे एकदम नॉर्मल रोड पे नहीं बन रहे हैं, है ना, क्योंकि एक्सप्रेसवे के अंदर जो है स्पीड लिमिट ज़्यादा रहती है, आपको 100-120 पे गाड़ी चलानी पड़ेगी। एक्सप्रेसवे के ऊपर मोटरसाइकिल अलाउड नहीं होती, यूपी यूपी के अंदर आप देखना एक्सप्रेसवे मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है, और क्योंकि हाइट पे बनाए जाते हैं क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, जानवर नहीं आ जाए, एकदम होता ना कि आप फुल स्पीड में जा रहे हो और गाय आके एकदम बोलते सरप्राइज, फिर आप समझ नहीं पाओ, इसलिए जो है उनको हाइट पे बनाए जाते हैं ज़्यादा, ठीक है, इसलिए ज़्यादा हाइट बनाया जाता है ताकि जानवर जो है वो ना आ सके। और है क्या, देखो ये हाईवे जो है ये चल रहा है, और ये हाईवे के अंदर बीच में ये डिवाइडर है, ठीक है, इधर दो लेन बनाई है, इधर ये दो लेन है आने की। अब होगा क्या, इन केस आने वाले टाइम के अंदर थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ती है और हमको एक लेन और बनानी पड़ेगी, तो हम वापस किसानों से जमीन लेंगे और वापस एक लेन और बनाएंगे। इसको अब क्या हो रहा है एक्सप्रेसवे के अंदर, तो अब ये हो रहा है कि आउटवर्ड एक्सपेंशन से ज़्यादा इनवर्ड एक्सपेंशन पे ज़्यादा फोकस हो रही है सरकार। सरकार क्या कर रही है कि बीच का डिवाइडर ही इतना बड़ा बना रही है कि कल को हमको एक एक लेन और बढ़ानी पड़े तो वो बाहर ना बना के अंदर एक एक लेन और बना देंगे। तो पहले जब ये सोलर का प्रोग्राम चल रहा था तो ये था कि डिवाइडर वाला जो जगह है यहाँ पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी, पर फिर ये था कि आगे जाके कभी हमको इनवर्ड एक्सपेंशन करना पड़ेगा तो इनवर्ड एक्सपेंशन करेंगे तो फिर सोलर प्लेट हटानी पड़ेगी। तो फिर अब जो फाइनल डिसीजन निकला है वो डिसीजन ये निकला है कि ये जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, अभी देखो तुम पूरा हाइट पे बना हुआ है, ये तुम दिख रहा हो ना, एक जैसे कभी आप जयपुर जाओगे ना तो जयपुर आने से पहले रिंग रोड कटता है, वो देखना वो ऑटोमेटिकली हाइट पे चला जाता है, वो पूरा हाइट पे बनते हैं ये। अब इसके अंदर जो ये ढलान वाला एरिया है ना, ये ढलान वाले एरिया पे सोलर प्लेट लगेगी, यहाँ पे लगेगी सोलर प्लेट जो रोड के साथ 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 रहेगी, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड के बारे में ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, और कितने हैं तो 13 एक्सप्रेसवे है, और सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर है पूरे भारत में, ठीक है। तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं, मैंने भी अभी थोड़ा टाइम पहले पढ़ी है, मुझे काफी इंटरेस्टिंग सी लगी। देखो शायद आपको पता हो, वैसे मुझे जहां तक लगता है तो पता तो नहीं होगा। देखो ये भारत है ना, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो भी हाईवे जाएगा उसका नंबर हमेशा ऑड होगा, ऑड नंबर का हाईवे होगा वेस्ट टू ईस्ट। नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ जो भी हाईवे जाएगा वो हमेशा इवन नंबर का होगा, ये हाईवे जो है ये हमेशा इवन नंबर का होगा, ऐसे नामकरण करा जाता है, पहली बात तो ये। अब इसमें भी ऐसा जो हाईवे है अपने ईस्ट टू वेस्ट वाला, ये जितना नॉर्थ के अंदर होगा उतना ही कम नंबर होगा इसका, यानी कि यहां पर अगर कोई हाईवे है ऐसा तो उसका नंबर सबसे कम होगा, जैसे कि NH1 है ना, उरी से लेके लद्दाख, ठीक है, ये NH1 है। जैसे जैसे आप ऐसे नीचे बढ़ते जाएंगे इनका नंबर बढ़ता जाएगा, और सबसे लास्ट में जब आप यहां जाओगे तो सबसे ज्यादा नंबर वाला जो है वो आपको हाईवे मिलेगा, जो कि है कोची, केरल के कोची से लेके थोंडी है ना, थोंडी तमिलनाडु के अंदर है यहां तक, और इसका हाईवे नंबर है NH85, ठीक है। ये कौन सा NH है, तो ये है NH85, ठीक है, ये ऑड नंबर। ऐसे ही इवन नंबर जितना ज्यादा ईस्ट की तरफ होगा ना उतना ही उसका कम नंबर होगा, जैसे कि NH2 अगर मैं बात करूं तो NH2 यहां पर है, कहां से है, तो असम के डिब्रूगढ़ से लेके मिजोरम के अंदर है मिजोरम के तुईपांग तक, ये NH2 है। अब जैसे जैसे इधर बढ़ते जाओगे
नेशनल हाईवे का नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा, और सबसे लेटेस्ट या सबसे लास्ट जो हाईवे आता है वो आता है NH-62, जो कि पंजाब के अबरोर से चालू होता है और ख़त्म होता है राजस्थान के पिंडवाड़ा के अंदर, सिरोही के अंदर आता है पिंडवाड़ा, वहाँ पे ख़त्म होता है, और इसका नंबर है 62। ठीक है, इस तरीके से नामकरण जो है वो करे जाते हैं। अब कहीं कहीं पे आपने जो है ट्रिपल डिजिट वाले नंबर भी देखे होंगे कि हाईवे का नंबर जो है वो ट्रिपल डिजिट है। तो ट्रिपल डिजिट कैसे होता है कि जैसे सपोज करो ये हाईवे है, इस हाईवे का नंबर है NH-44, ये हाईवे है NH-44। अब इस NH-44 ट्रिपल डिजिट उनको देते हैं सब्सिडरी हाईवे को, जो सब्सिडरी हाईवे होता है सहायक हाईवे, सब्सिडरी हाईवे जो यहीं से चल के आगे जाके कहीं यहीं कहीं मिल जाएगा। NH-44 का है तो पहला जो सब्सिडरी हाईवे होगा तो इसका नंबर होगा 144। फिर इसी नेशनल हाईवे 44 के ऊपर अगर दूसरा कोई हाईवे यहाँ से जाके यहाँ जा रहा होगा तो इसका नंबर हो जाएगा 244। फिर वापस आगे जाके यहाँ जाके यहाँ जुड़ जाएगा तो इसका नंबर हो जाएगा 344। ऐसे करके ट्रिपल हाईवे बनते हैं। अगर NH-56 के सब्सिडरी है तो 156, 256, 356 ऐसे चलेंगे। इस तरीके से नामकरण करा जाता है हाईवे का। आप कभी रोड पर चल रहे हैं और ऊपर आपको जो है मील का पत्थर यानी माइल स्टोन दिखेगा कि अजमेर 52 किलोमीटर दूर, और इसके ऊपर अगर येलो कलर है तो आप नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं, और इसके ऊपर अगर ग्रीन कलर है तो आप स्टेट हाईवे पर चल रहे हैं। ये तो पता होगा, NCERT 10th क्लास का लास्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन, उसमें लिखी हुई सारी बातें हैं। येलो कलर का नेशनल हाईवे, तुम कभी जयपुर जाना तुम्हें हमेशा जयपुर कितनी दूर है पीले कलर का लिखा हुआ दिखेगा। केकड़ी की तरफ जाना, इधर केकड़ी की तरफ, ये स्टेट हाईवे नसीराबाद से जो केकड़ी जा रहा ना, यहाँ पे तुम्हें हरे कलर का दिखेगा, ऊपर ग्रीन कलर का दिखेगा, वो स्टेट हाईवे होते हैं सारे। तो स्टेट हाईवे पे किलोमीटर ग्रीन कलर से लिखे होते हैं, नेशनल हाईवे पे हमेशा येलो कलर से लिखे होते हैं। 10वीं क्लास का चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन, NCERT ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर, उसमें लिखा हुआ ये सारी चीज़ें है ना। और भी है ग्रामीण सड़कों पे क्या लिखा रहता है वो सब लिखे हैं इसके अंदर। जैसे इसमें ना एक ऑरेंज कलर भी आता है, गाँव की जो सड़कें होगी ना उस पर ऑरेंज कलर से लिखा होगा ग्रामीण सड़कों की तरफ, तो वो सारी चीज़ें बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन है इसके अंदर। तो ये ध्यान रखना भाई हाईवे का नामकरण कैसे होता है ना। हटा दो ये, जो वो न्यूज़ आएगी जब लिखवा दूंगा आसाम से, वैसे बता दूं तुमको। देखो सिलचर, सिलचर जो है असम का सिलचर, सिलचर से लेके पोरबंदर, पोरबंदर तक ये तो हो गया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और कश्मीर श्रीनगर से लेके, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी, ये हो गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जहां पे मीटिंग हो रही है वो झांसी है। हटा दूं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई बातें। उसके बाद में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कल अपन इसके बारे में न्यूज पढ़ी थी और हमने कहा था कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है किसको, माइकल डगलस, है ना। कैचिंग द डस्ट पहली पिक्चर है, ओपनिंग मूवी। उसी इवेंट के अंदर जो है क्या होता है कि एंड में जो है टास्क दिया जाता है बहुत सारे जो फिल्म मेकर होते हैं कि आप जो है कोई सोशल सब्जेक्ट के ऊपर जो है एक शॉर्ट फिल्म मूवी बना दीजिए। सोशल सब्जेक्ट बहुत सारे दिए जाते हैं, उसके अंदर जो है बेस्ट मूवी गई है भारत की बनी हुई ओड, ओड जो है इसको बेस्ट मूवी दी है। उसी के अंदर जो बताऊँ ना आपको टास्क जो है वो दिया जाता है, जो उसके अंदर दिया होगा एज अ पार्ट ऑफ द फिल्म चैलेंज 75 पार्टिसिपेंट वर डिवाइडेड इनटू 5 टीम्स हु मेड शॉर्ट फिल्म इन 48 आवर्स ऑन द थीम मिशन लाइफ। इस थीम के ऊपर जो है पिक्चर बनानी होती है, और सबसे बढ़िया मूवी जो है वो ओड गई है, जो भारत में बनाई हुई, भारत के द्वारा बनाई हुई है। और किसके ऊपर थी ये, तो ये थी बीच लाइन्स ऑफ गोवा, रिसाइडिंग बीच लाइन्स ऑफ गोवा, जो पानी का स्तर घट रहा है उसको लेके ये मूवी जो है वो बनी थी। ओड एक कास्ट भी होती है जो तालाब खोदने का काम करती है, ठीक है। ओड एक कहानी सुनी होगी जसमल ओडन की, जसमल ओडन की कहानी है, बड़ी फेमस है, अब कभी और बताएंगे। तालाब खोदने का काम करती है ओड कास्ट, जसमल ओडन, ठीक है। उसके बाद में DRDO और भारतीय नेवी ने जो है एक ट्रायल करा है अभी रिसेंट के अंदर, एंटी शिप मिसाइल जो है उसका ट्रायल करा है। कहाँ पे करा है, तो चांदीपुर बीच,
देखा है क्या किसी ने? मैंने देखा है, उड़ीसा के अंदर है, बड़ा बेहतरीन बीच है। इसकी स्पेशलिटी क्या है, मैंने शायद एक बार पहले बताई भी है। सुबह होती है, जैसे ये किनारा है, सुबह होती है और सुबह होते ही यहाँ पे पानी जो है वो 2 किलोमीटर तक पीछे चला जाता है। आप किनारे पे जाओगे तो आपको दलदल दिखेगी। शाम होते होते, जैसे अभी जो टाइम हो रहा है ना, तो पानी वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा किनारे की तरफ, और शाम होते होते पानी वापस किनारे पर आ जाता है। दिन भर पूरा दलदल रहता है किनारे के ऊपर। तो वो चांदीपुर बीच है वो, ठीक है। वहीं पर अभी इन्होंने ट्रायल करा है। किस हेलीकॉप्टर से ट्रायल करा है? तो 42B नेवी का हेलीकॉप्टर, इससे इसका ट्रायल करा है। इसकी रेंज कितनी है? तो 500 किलोमीटर इसकी रेंज है। भारत में बनी हुई है पूरी तरीके से। और हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी रेंज है 300 से 350 से 400 किलोमीटर, उससे भी ज़्यादा रेंज है इसकी। तो अभी टेस्ट करा है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब इसको जो है एयरक्राफ्ट से टेस्ट करा है। ये उसकी टेस्टिंग की फ़ोटो जिसमें इसको टेस्ट करा गया, ठीक है। ये नेवी की वो शिप और ये वो जो है मिसाइल लॉन्च करते हुए, डीआरडीओ की डिटेल लिख लो उसके अंदर। इस्टेब्लिशमेंट है 1958 डीआरडीओ, ठीक है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। हेड का नाम बताओ तुम तो। हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली। कौन सा? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। समीर वी कामठ लिखना भाई, समीर वी कामठ। समीर वी कामठ। इसमें उससे तो है ही, सरफेस वाली पे तो टेस्ट करी हुई है। अभी इसको एयरक्राफ्ट टेस्ट कर रहे हैं, अपग्रेड करना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो उसका टेस्ट करा है इसके अंदर। है तो सरफेस टू एयर मिसाइल जो टेस्टेड है, वो तो टेस्टेड है। इसको अब एयर टू एयर मिसाइल के अंदर टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको लेके चांदीपुर बीच के अंदर भी उन्होंने जो है टेस्ट करा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई। उसके बाद में तीनों चीजें मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर, नाम, लोकेशन और किस किस के बीच में हो रही है। वज्र प्रहार इंडिया यूएस के बीच में हो रही है और उमरोई मेघालय के बीच में हो रही है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रा हिंद नाम से मालूम पड़ रहा है, ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया और हिंद मतलब हिंदुस्तान। कहाँ पे हुई है? पर्थ के अंदर। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में कहाँ पे हुई है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। अब काम की बात दूसरी ये कि वर्ल्ड कप चालू होने से पहले 10 मिनट पहले एयर शो हुआ था, देखा होगा आपने। वो एयर शो जिसने करा था, तो एयरफोर्स की सूर्य किरण यूनिट है उसने करा था, वो भी ध्यान रखना, है ना। एयरफोर्स का जो शो हुआ था वर्ल्ड कप से पहले, तो वो भारत की किस एयरफोर्स की यूनिट ने करा था? तो उसका नाम भी सूर्य किरण ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सूर्य किरण यूनिट ने जो है वो एयरफोर्स का वो जो एयर शो जो तो जो था फाइनल से पहले वो करा था। उसके बाद में लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ल्यूक फ्रीडेन। अर्जेंटीना के बने हैं जेवियर माइली, वो मैं शायद लिखवा चुका हूँ पिछली क्लास के अंदर, पिछली क्लास के अंदर आ गया था वो। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने विनय एम टॉन्स। इनके बारे में लिखवाई थी ना क्लास, पिछली क्लास के अंदर मैंने 4 मैनेजिंग डायरेक्टर लिखवा दिए थे, फिर सारे लिखवाए थे कौन कौन से नवीन नियुक्तियाँ हुई है ना। तो ये ध्यान रखना, MD विनय एम टॉन्स जो है वो बने हैं अभी रिसेंट में। उसके बाद में साउथ इंडियन बैंक के एडिशनल डायरेक्टर बन गए हैं लक्ष्मी रामाकृष्ण श्रीनिवासन। ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं वेस्ट बंगाल के सौरव गंगुली, ठीक है। अब यहीं पे 2-3 ब्रांड एम्बेसडर और लिख लो जो काम काम के हैं अपने लिए। वेस्ट बंगाल के बन गए सौरव गंगुली, SBI के बन गए महेंद्र सिंह धोनी, MSD हैं SBI के अभी रिसेंट बने। उसके बाद में इन्फोसिस के कौन कौन है बताओ बताओ, मतलब तुमसे ही पूछता रहूं फिर ताकि ध्यान रहे। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे कोई? कौन? राफेल नडाल और ईगा स्वातेक। ठीक है, ईगा स्वातेक इन्फोसिस के हैं, ठीक है। उसके बाद में वो आईसीसी वर्ल्ड कप ने 2 बनाए, एक तो बनाया घरेलू डोमेस्टिक बनाया शाहरुख खान को, और एक बनाया ग्लोबल वैश्विक
वो सचिन तेंदुलकर को बनाया, ठीक है। इंफोसिस कंपनी एक, ठीक है। उसके बाद में अगला जो है वो है हिंदी वाले भारतीय निर्वाचन आयोग, इंग्लिश वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव। अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान के, क्योंकि अब बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, तो ध्यान रखना राजस्थान में चुनाव हुए अभी, और राजस्थान के चुनाव के अंदर, राजस्थान चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन आइकन, राजस्थान के अंदर स्टेट इलेक्शन आइकन जो है वो किसको बनाया है, राजस्थान के चुनाव, राजस्थान के चुनाव की है स्पेशली, ध्यान रखना, राजस्थान में बनाई है, और नाम है दिव्य कृति सिंह, दिव्य कृति सिंह। ये राजस्थान चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन थी, स्टेट इलेक्शन आइकन थी दिव्य कृति सिंह। घुड़सवार है, नागौर से संबंधित है, और एशियन चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इसलिए इनको जो है स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया है राजस्थान सरकार ने चुनाव के लिए, जो राजस्थान में चुनाव हुए। तो अब राजस्थान की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना ना, स्टेट इलेक्शन आइकन है ये दिव्य कृति सिंह इस चुनाव के लिए, और घुड़सवार है, नागौर से संबंधित है, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल है उसके वाइस चेयरमैन बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके अलावा एक्सटर्नल ऑडिटर भी हैं, बाहरी लेखा परीक्षक हिंदी वाले, एक्सटर्नल ऑडिटर है एक तो WHO के और एक ILO के, WHO के और ILO के दोनों के हैं एक्सटर्नल ऑडिटर, बाहरी लेखा परीक्षक हिंदी के अंदर, बाहरी लेखा परीक्षक एक्सटर्नल ऑडिटर WHO के और ILO के, ठीक है। ILO अंग्रेजों के टाइम पे हमारी जो इंडस्ट्री थी ना वो बहुत ज्यादा अलग अलग थी, कोई कहाँ काम कर रहा है, कोई कहाँ काम कर रहा है। तो 1927 के अंदर महात्मा गांधी कहते हैं कि भैया ऐसे मत करो और एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो सारी इंडस्ट्रीज का। उस महात्मा गांधी के कहने पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फिक्की। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किन दो जनों ने मिलकर बनाया था? तो ये बनाया था घनश्याम दास बिड़ला और ठाकुर दास गोपाल दास। क्लास 10th चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, जो बात मैंने तुमसे करी है वो लिखी हुई सारी सारी, और भी बातें लिखी हुई है, मैंने तो कुछ ही बताई तुमको ये चीज़ें। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है 10th क्लास का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि फिक्की कैसे फॉर्म करा गया था, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट बन गए अभी अनीश शाह, ठीक है। और रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक के अंदर इंडिया के हाईएस्ट कमिश्नर बने हैं उसके बाद में एमी अवार्ड, इंटरनेशनल एमी अवार्ड, बहुत फेमस अवार्ड है। कॉमेडी के लिए मिला है वीरदास, भारत के स्टैंड अप कॉमेडियन है उनको। और बेस्ट डायरेक्टरेट का अवार्ड मिला है एकता कपूर को, ये लिख लेना इंपॉर्टेंट है। पूरी फिजिक्स उन्होंने जो है उलट पलट मचा दी है, इसलिए बेस्ट डायरेक्टर का इंटरनेशनल अवार्ड दिया एकता कपूर को, है ना। तुम रॉकेट कहीं भी चला दो जाके लगेगा वो गोपी बहू के हाथ पे ही, है ना। तो वो है, हर कुछ मचा रखा है स्टार प्लस के ऊपर। तो एकता कपूर का नाम लिख लेना भाई यहाँ पे, एकता कपूर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, एमी अवार्ड, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये, एकता कपूर को मिला है बेस्ट डायरेक्टरेट अवार्ड एमी का। स्कूटर लेके चांद पे जा रहे हैं, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पति को हम बता नहीं सके तो खुद जाके ऑपरेशन कर रही है, हर कुछ ही चल रहा है नाटकों के अंदर, ठीक है। उसके बाद में अगर कहीं अवार्ड लिख रहे हो तो स्टार बना के इनका नाम जरूर लिख लेना, पेरुमल मुर्गन। लिटरेसी का बहुत बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड है JCB लिटरेसी प्राइज। नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी नेक्स्ट वीक, उसके अंदर मैं 2030 के सारे लिटरेसी अवार्ड लिखवा दूंगा, है ना, कि व्यास सम्मान किसको मिला है, सरस्वती सम्मान किसको मिला है, बुकर प्राइज किसको मिला है, वो सब एक जगह लिख लेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इनकी किताब का नाम है फायरबर्ड, इसको भी ध्यान रखना, जिसके लिए इनको मिला है फायरबर्ड इनकी किताब है, ठीक है। उसके बाद में REC इसको जो है बेस्ट एम्प्लॉयर इन द डाइवर्सिटी इंक्लूजन अवार्ड मिला है, तो ये देख लेना इसके बाद। तो उसके बाद में बुक्स है,
दो पलकों की छाव में डॉक्टर हेमा जोशी, अच्छी किताब है, नाम ध्यान रखना, पर दो किताबें जो मैं बता रहा हूं उनका भी ध्यान रखना, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, लीना कुमार, और एक किताब जो मलयालम के अंदर है, निवालू, निवालू कुदिया सिमांगल, भाई ध्यान रखना मलयालम लैंग्वेज के अंदर है ये। इसका इंग्लिश वर्जन भी लॉन्च हुआ है, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड भी है, और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेटेड जो नाम है वो है लॉयन दैट ड्रैंक द मूनलाइट, चांद की रोशनी खाने वाला शेर, ये नाम है भाई। किसने लिखी है तो ये ध्यान रखना ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, खुद ने लिखी है इसलिए अपन इसको ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, खुद की आत्मकथा लिखी है एस सोमनाथ ने, इसरो के जो चेयरमैन हैं उन्होंने। जैसे चंद्रयान 3 मिशन थोड़ा सक्सेस हुआ तो उनको लगा कि लोगों को अब मेरे बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो उन्होंने खुद के जीवन के ऊपर किताब लिखी है। हाँ मैंने लिखा रही, मैंने वापस बता दी सारी किताबें आ रही थी तो मेरे को लगा इसका नाम ध्यान रखना क्योंकि थोड़े इंपॉर्टेंट बुक है इसलिए मैंने लिखवा दी, है ना, निवालू कुदिया सिंहामंगल, और इंग्लिश में उसका नाम है लॉयन दैट ड्रैंक द मूनलाइट, है ना, ऑटोबायोग्राफी एस सोमनाथ की। उसके बाद में डेज इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, गुरु तेग बहादुर का देख लेना, 24 नवंबर मार्टियर डे है। उसके बाद में रेस्ट इन पीस वाले, रेस्ट इन पीस वाले में इस बार ध्यान रखना जस्टिस फातिमा बीवी, दो बातें काम की, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाली पहली महिला जज फातिमा बीवी, और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाली पहली मुस्लिम महिला भी यही है, ठीक है, इनकी अभी डेथ हो गई है, पहली महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट की, है इसलिए इंपॉर्टेंट है। काम की बात यहाँ पर लिखी हुई नहीं है पर लिख लेना, 1997 से लेके 1997 से लेके 2001 तक ये तमिलनाडु की गवर्नर भी रही हैं, तमिलनाडु की गवर्नर भी रही है 1997 से लेके 2001 तक, ये तमिलनाडु की गवर्नर भी रही है, अपने गृह जिले कोल्लम के अंदर इनकी फाइनली डेथ हो गई अभी। ठीक है, 90। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह आया 10वें, बस ठीक है, तो अपन अगली सीट स्टार्ट करते हैं। लीना कुमार, लीना, लीना कुमार, अबे खड़ा हो जा तू तो आराम से, तू नहीं आएगा कैमरे में।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अभी क्या हुआ है, रिसेंट के अंदर एक स्टडी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग भी एक रीजन है। उसके अलावा क्या है, एंटार्क्टिका के अंदर क्या हुआ है कि बर्फ की हवाएं चल रही है, बहुत ज़्यादा तूफान, और उससे हुआ क्या है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा आइसबर्ग है यानी कि हिमखंड, ये हिमखंड जो है ये अब धीरे धीरे करके जो है पिघलने लग गया है। ठीक है, मेल्ट नहीं हो गया, पिघलने के लग गया, सॉरी मूव करने लग गया है, अपने सरफेस जो है उस पर मूव करने लग गया है। पहली बात तो ध्यान रखना कि सबसे बड़ा आइसबर्ग का नंबर नाम क्या दे रखा है, तो वो दे रखा है A23A। ठीक है, ये उसका नाम है। और अभी क्या हुआ है कि एक सैटेलाइट इमेजेस भी आई है जिसके अंदर ये जो है ड्रिफ्ट कर रहा है, मतलब ये धीरे धीरे करके जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आगे की तरफ खिसकना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जैसे ये सैटेलाइट इमेजेस जिसके अंदर रिप्रेजेंट करा गया, ये वो आइसबर्ग है और ये धीरे धीरे जो है इस तरफ मूव होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है, है ना, क्योंकि ये मूव होने नहीं चाहिए, पर अब मूव हो रहे हैं, क्योंकि जैसे आप मूव होना स्टार्ट होते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और फिर पिघलना स्टार्ट होते हैं। अगर तुम एक जगह रहोगे ना, तो जैसे आइसबर्ग अगर एक जगह है तो वो स्टैटिक रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करता है तो फिर फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट होती है और फिर उससे जो है वो पिघलने की रेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तुम देखना, एक बार अगर तुम किसी बर्फ़ को छोड़ दोगे ना तो वो चलता रहेगा, मतलब अगर है ना वो पिघलता भी रहेगा, पिघलने की स्पीड भी बढ़ जाएगी और उसके बाद में जो है वो पिघलना भी स्टार्ट हो जाएगा और फिर चलता रहता है वो, तो वो चीज़ें। और ये आइसबर्ग पे जो है अभी रिसेंट के अंदर मूव करना स्टार्ट हो गया है। कुछ और इमेजेस इनकी दी है कि पहले जो है ये यहाँ हुआ करता था, अब धीरे धीरे करके जो है कंटिन्यू इस तरह मूव होना स्टार्ट हो गया है, और क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा है तो फिर तो चिंता का विषय है ही, पर ये मूव कर रहा है भाई, ये ध्यान रखना है ना। A23A आइसबर्ग इसका नाम दिया है जो अभी रिसेंट के अंदर मूव कर रहा है। साइज तो पता नहीं, जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में अंगकोर वाट अपन ने बात करी है इसके बारे के अंदर। कंबोडिया के अंदर एक मंदिर है, ठीक है, देखो इसको बनवाया किसने था, तो सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था 12th century के अंदर। और ये मंदिर जो है किसको, अरे बात मत करो, हिंदू भगवान विष्णु जो है, लॉर्ड विष्णु, उनको डेडिकेटेड था ये मंदिर। पर कंबोडिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म का प्रचार ज़्यादा हुआ और उस वजह से जो है इस मंदिर को कन्वर्ट कर दिया गया बौद्ध मंदिर के अंदर। पर आज भी भगवान, बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो इस वजह से हिंदू मंदिर ही कंसीडर करते हैं इंडियन लोग बाग इसको। और अभी इसको जो है 8वां अजूबा जो है वो घोषित कर दिया गया है, 8th wonder। ठीक है, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, तुम में से किसी को भी 7 wonder ध्यान नहीं है, 8वां तो बहुत दूर की बात है। देखो पहले तो अपन अंकोर वाट देखते हैं, तो ये अंकोर वाट मंदिर है कंबोडिया का, है ना, ऐसे। ठीक है, अरे बस, उसके बाद में ये 7 wonders जो अभी 7 wonders है आज के टाइम पे, जो 7 wonders है वो ये है। ठीक है, देखो एक तो है माचू पेरू, है ना, माचू पिचू जो पेरू का है, हाईएस्ट कॉलोनी है ये, हाईएस्ट कॉलोनी मतलब सबसे ज़्यादा हाइट पे है, 8000 meter पेरू के अंदर, है ना, हाईएस्ट कॉलोनी है ये। उसके बाद में एक है पिरामिड मेक्सिको का, ब्राज़ील की ये मूर्ति आपको पता ही, ताजमहल है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। एक ये पेट्रा जॉर्डन का है जिसके अंदर पूरा किला और पूरी कॉलोनी बसी हुई है, पहाड़ को काट के, पूरे पहाड़ को काट के जो है बनाया हुआ है पूरा। और उसके बाद में ये रोमन कॉलिजियम इटली का अखाड़ा, जहाँ पे पहले लड़ाइयाँ हुआ करती थी, ये तो अभी भी है, ये आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा इस वाले 7 wonders के अंदर भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, ये 7 wonders हैं। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, चेंज होते रहते हैं ये, है ना, ये भी याद मत करना है, तो बता दिए मैंने आपको कि अभी ये चल रहे हैं, वरना सबको वही साथ ध्यान है जो पार्क बना हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अंकोर वाट को भी रिसेंट में जो है 8वां अजूबा जो है वो घोषित कर दिया है, ध्यान रखना। 8वां अजूबा भी बहुत सारे हैं, है ना, ये ध्यान रखना, ये अकेला नहीं है। ठीक है, उसके बाद में श्रीलंका के जो प्लांटेशन एरिया है, टी प्लांटेशन एरिया, वहां पे भारत सरकार अभी और घर बना रही है। देखो वहां का जो हाउसिंग बोर्ड का डेवलपमेंट है, वहां पे घर बनाने का जो काम है वो भारत सरकार ने ले रखा है,
है ना। और भारत सरकार जो है टोटल उनको 60,000 घर बना के देने हैं, जिसमें से 46,000 घर जो है वो बन चुके हैं, और जो टी प्लांटेशन वाला एरिया है वहाँ पे 4,000 घर बन चुके हैं, पर अभी उसका सेकंड फेज स्टार्ट कर रहे हैं, और सेकंड फेज स्टार्ट करने के बाद में 10,000 घर और बनाए जाएंगे। अब ये न्यूज़ एज सच अपने काम की नहीं है, अपने काम की क्या है श्रीलंका से संबंधित बातें, वो ये कि एक तो श्रीलंका के अंदर SBI ने ब्रांच खोली है अभी, त्रिकोण मेली के अंदर ध्यान रखना, आउट ऑफ इंडिया खुलने वाली अभी रिसेंट में SBI की ब्रांच है श्रीलंका के अंदर, त्रिकोण मेली के अंदर, और श्रीलंका ने जो है भारत के लोगों को वीजा फ्री कर दिया है, ठीक है, श्रीलंका ने कर दिया है, थाईलैंड ने कर दिया, मलेशिया ने कर दिया फ्री, बिल्कुल फ्री। तो अकाउंट तो खोलेंगे ना, अकाउंट खोलने में क्या प्रॉब्लम है, बैंक बैंक खोलने में क्या प्रॉब्लम है, अपने आप तो खुले हुए, US के बैंक, सिटी बैंक है ना वो इंडिया में खुला हुआ है ना, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। DBS बैंक है मेरे उसमें है, DBS बैंक है, भारत में बहुत सारे बैंक है जो US के हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ब्रांच खोली आउट ऑफ इंडिया तो ध्यान रखना, इलीगल तो नहीं होगा, मतलब आप जाओगे चेकिंग वेकिंग तो सारी होगी, चेकिंग वेकिंग सब कुछ होगा, पर आपको जो है वीजा लेके जो जाना पड़ता था ना वो नहीं पड़ेगा बस, बाकी जो आपका चेकिंग वेकिंग वाला जो प्रोसेस है वो तो पूरा है ही आपसे, हाँ आईडी लेके बिल्कुल, आप क्यों आए हो क्या है रीजन तो सब कुछ लिखे जाएंगे, पर वीजा वीजा जो है वो उसका झंझट खत्म कर दिया अभी बस, ठीक है। उसके बाद में एक और, अमेरिका ने अभी एक रिपोर्ट जारी करी है और उसमें कहा है कि हमने 1.40 लाख यानी 1,40,000 लोगों को, स्टूडेंट्स को जो है स्टूडेंट वीजा दिया है एक साल के अंदर, यानी भारत से 1,40,000 बच्चे जो है वो पढ़ने गए हैं US, ठीक है। US के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा कि US के इतने स्ट्रिक्ट रूल है वीजा के कि आप जाओगे एम्बेसी तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, पूरा प्रोसेस होता है, इंटरव्यू में अगर आप फेल हो गए तो रिजेक्ट भी कर देते हैं वीज़ा, इवन टूरिस्ट वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए मैंने कहा था पहले वहाँ पे वीज़ा लो उसके बाद लोग वहाँ टिकट बुक कराते हैं, ये हालतें हैं US की। पर अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि US ने वो इंटरव्यू वाला प्रोसेस बंद कर दिया है, अब छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन कराने के बाद में आपको जो है इजीली वीज़ा जो है वो मिल जाता है, और उसी का फ़ायदा उठा के भारत के लोगों को जो है 80 लाख वीज़ा जो है वो एक साल में करे हैं सर इसने US डिपार्टमेंट ने, 80 लाख विजिटर वीज़ा मिले हैं फॉर बिजनेस और टूरिज्म पर्पज से, यानी 80 लाख लोग बाग जो है वो US गए हैं या तो बिजनेस के काम से या घूमने, जैसे ही इन्होंने ये इसके अंदर वेव ये देखो ये लिखा हुआ है ना, इंटरव्यू प्रोसेस जैसे इन्होंने बंद करे और उसके बाद में इंटरव्यू प्रोसेस बंद करते ही जो है इजी डॉक्यूमेंटेशन हो गया वीज़ा का, तो भारत के बहुत सारे लोग बाग जो है वो US घूमने चले गए, ठीक है, पैसा खूब है भारत वालों के पास में, ठीक है। US के अंदर लिख लेना भाई, करेंसी डॉलर्स, कैपिटल वॉशिंगटन DC, और प्रेसिडेंट जो बाइडन, जो बाइडन के साथ में लिख लेना 46 नंबर के हैं, ये ध्यान रखना है ना, 46 नंबर के हैं जो बाइडन, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला हैरिस। फोर्ब्स की जो लिस्ट आई है 100 पावरफुल वुमेन की, उसमें पहले नंबर पर है उर्सुला वंडर, कल अपन ने बात करी थी, सेकंड नंबर पे है यूरोपियन यूनियन सेंट्रल बैंक की क्रिस्टीना, तीसरे नंबर पे कमला हैरिस ही है, और चौथे नंबर पर है जॉर्जिया मेलोनी। मोदी जी ने कहा कि नहीं टॉप 5 होनी चाहिए भाभी जी, तो वहां पे, ठीक है। उसके बाद में नेपाल, अब ये और इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, नेपाल देखो इसके अंदर दो तीन चीजें ध्यान रखना, एक तो सेम सेक्स मैरिज को जो है रजिस्टर करने वाला साउथ एशियन का तो पहला और एशिया के अंदर से दूसरा, इससे पहले ताइवान ये काम कर चुका है सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर चुका है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करा है, तो ध्यान रखना नेपाल, नेपाल ने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया है। भारत में क्या स्थिति है, तो भारत में हमारे यहाँ पे लीगल नहीं है पर हमने इसको डीक्रिमिनलाइज कर रखा है, डीक्रिमिनलाइज कर रखा है। अगर आपको पता हो अभी थोड़े टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट में काफी बहस हुई इस बारे में, है ना, कि इंडिया के अंदर लीगल करना ही नहीं करना है, और फाइनली DY चंद्रचूड ने डिसीजन यही दिया है कि इस समय भारत उस स्थिति में नहीं है कि हम इस चीज़ को लीगल करें, तो इंडिया में लीगल नहीं है पर डीक्रिमिनलाइज, अगर कोई कर लेता है तो सजा का प्रावधान नहीं है पर लीगल नहीं है, मान्य नहीं रहेगा वो विवाह,
पर अभी रिसेंट के अंदर जो है नेपाल ने इस तरह की चीज को जो है अलाउ कर दिया है और एशिया के अंदर दूसरा देश बन गया है। इससे पहले ताइवान ये काम कर चुका है, नेपाल दूसरा है, हमारे पड़ोसी देशों के अंदर पहला और साउथ एशिया के अंदर भी पहला। तो ये ध्यान रखना, दो जनों ने शादी करी है, एक का नाम है राम बहादुर और एक का नाम है सुरेंद्र पांडे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई। करेंसी है नेपाली रुपया या नेपाली रुपी। कैपिटल है काठमांडू। इनका नाम है रामचंद्र और प्राइम मिनिस्टर का नाम है पुष्प कुमार दहल और लोग बाग इनको प्रचंड के नाम से ही बुलाते हैं। पुष्प कुमार दहल प्रचंड लिखा होगा पूरा नाम इनका, कभी देखना आप, प्रचंड पुष्प कुमार दहल। चलिए, उसके बाद में अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट सी न्यूज और एक और, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना। देखो अभी क्या है, रिसेंट के अंदर विंटर ओलंपिक, यूथ विंटर ओलंपिक होने वाले हैं, ध्यान रखना। ठीक है, यूथ विंटर ओलंपिक होने वाले हैं और क्योंकि इसके अंदर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा 2024 जो होने वाले हैं, तो ये अभी स्टार्टिंग होने वाली है इनकी 19 जनवरी से स्टार्ट होंगे ना, 19 जनवरी से 1 फरवरी है, 19 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक ये होने वाले हैं अभी रिसेंट के अंदर। और कहाँ पे हो रहे हैं, तो साउथ कोरिया के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, साउथ कोरिया के अंदर हो रहे हैं और इसके जो मैस्कट है यानी जो शुभांकर है उनका नाम है मूंगचो, MONG और CH, MONG CHO है ना, मूंगचो इसके मैस्कट है। अभी स्टार्टिंग जनवरी में स्टार्ट होने वाले हैं, ध्यान रखना है ना। विंटर यूथ ओलंपिक्स जो है वो होने वाले हैं साउथ कोरिया के अंदर होने वाले हैं। हुआ क्या है कि अब क्योंकि कोरिया में हो रहे हैं और यहाँ पे जो है अभी इन्होंने अपने ब्रांड एम्बेसडर घोषित करे हैं दो, एक का नाम है मिनो जो शिनी से हैं और एक है के ड्रामा के स्टार ली डोंग वुक। ठीक है,
अरे भयंकर क्रेज है, भयंकर लेवल पे क्रेज है, ये सब पता ही नहीं क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभी रिसेंट के अंदर, तो ये ध्यान रखना। और आगे की बात, आरबीआई ने जो है अभी पेनल्टी लगाई है 3 बैंकों के ऊपर, एक है सिटी बैंक, एक है बीओबी और एक है आईओबी। कितने रुपए की? जो 10.34 करोड़ की। कई के लिए लगाई है, तो मैंने आपको कहा कि जैसे साल भर जो भी बैंक करता है, अरे बस वो अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो बैंक को देता है आरबीआई को, फिर आरबीआई साल भर उसकी रिपोर्ट जो उसने काम करा उसका स्टडी करता है, और फिर अगर उसको कोई खामी लगती है या ऐसा लगता है कि आरबीआई के रूल्स फॉलो नहीं करें तो फिर वो फाइन लगाना स्टार्ट करता है। ऐसे ही कुछ फाइन्स जो है वो इनके ऊपर लगाए हैं, बहुत सारे जो नॉर्म्स हैं जो डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड और इनसे रिलेटेड थे, जिनको पूरा नहीं करा गया है, तो इसलिए जो है इनके ऊपर फाइन लगा दिया है, टोटल 10.34 करोड़ का इनके ऊपर, है ना। तो ये ध्यान रखना, उसके बाद में ये डिटेल लिख लो सिटी बैंक की। सिटी बैंक के अंदर लिख लेना, एस्टेब्लिशमेंट है 16 जून 1812, 16 जून 1812 1812। ठीक है, सिटी बैंक आपने अगर स्कैम 1992 देखी ना तो उसमें खूब था, है ना। तो उसके बाद में इस पर रिस्ट्रिक्शंस काफी लगाना स्टार्ट करें। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क, यूएस का बैंक है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और हेड का नाम है बारबरा, इंडियन हेड का नाम बता रहा हूं मैं ना, बारबरा डॉजियर। DESOER डेजोर, बारबरा डेजोर। ठीक है, उसके बाद में बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, 20 जुलाई 1908, हेडक्वार्टर बैंक ऑफ बड़ौदा का कहाँ होगा? बड़ौदा का, पंजाब नेशनल बैंक का कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जो लास्ट नेम हो वहीं पे हेडक्वार्टर हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ौदा के अंदर है। और हेड जो है इसके वो हसमुख अधिया, हसमुख अधिया ही है, अभी बनेंगे रिसेंट में, रुको एक सेकेंड। हेड का नाम जो है देवदत्त चंद कर लेना यहाँ पे, ये सुबह वाली क्लास में मुझे चेंज कराना पड़ेगा। अरे आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर लिख लेना, 10 फरवरी 1937, हेडक्वार्टर है चेन्नई, हेडक्वार्टर है चेन्नई, और हेड का नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। उसके बाद में एस एन पी ग्लोबल ने जो है अभी जो भारत का फाइनेंशियल ईयर 24 चल रहा है भाई, FY24 ध्यान रखना, FY24 मतलब 1 अप्रैल 2023 से चालू हुआ है और ख़त्म होगा 31 मार्च 2024 को, उसको बोलते हैं FY24, यानी जो भी साल चल रहा है वो FY24 चल रहा है। FY24 के अनुसार S&P ग्लोबल ने कहा है कि भारत की जो GDP रेट रहेगी, ग्रोथ रेट, वो कितनी हो गई? 6.4। S&P ग्लोबल के अकॉर्डिंग जो है भारत की ग्रोथ रेट जो है वो क्या रहेगी? तो 6.4 S&P ग्लोबल के अकॉर्डिंग कितनी रहेगी? तो 6.4 रहेगी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक
और एडीबी ये कह रहे हैं कि 3.6.3। आरबीआई की कल मॉनिटरी मीटिंग हुई थी और उस मॉनिटरी मीटिंग के बाद में जो है आरबीआई ने कहा कि भारत की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी 7.0। अब एक बात और काम की, आईएमएफ, आईएमएफ का जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन आया है उसमें आईएमएफ कह रहा है कि भारत की ग्लोबल ग्रोथ रेट कितनी रहेगी 6.3। पर आईएमएफ के जो हेड है श्रीनिवासन जो इंडियन है उन्होंने कहा है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इंडिया जो है प्रोग्रेस कर रहा है और आने वाले टाइम के अंदर जो करंट ईयर चल रहा है इसमें भारत जो है वो ग्रो करेगा 7% के अकॉर्डिंग। पर आईएमएफ का जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है वो 6.3 का ही है, तो ध्यान रखना। दोनों में तुमको चीज़ बता दी, अभी जो डिक्लेयर कर रही है वो 6.3 कर रही है आईएमएफ ने भी, ठीक है। पर उनके जो हेड है श्रीनिवासन वो कह रहे हैं कि भारत 7.0 के हिसाब से जो है ग्रोथ करेगा, पर ऑफिशियल डिक्लेरेशन के अंदर 6.3 ही दे रखी है आईएमएफ ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में एक और इंसिडेंट देखो हुआ क्या। जैसे भी आप यहां से उदयपुर जाओगे ना तो एक तो ब्यावर वाला रास्ता है और एक भीलवाड़ा होके, ब्यावर वाले रास्ते से आप थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो एक कस्बा आता है भीम, नाम सुना है भीम आता ना, भीम, भीम के यहीं की बात है। यहां पे चलता है मनरेगा, चल रहा था मनरेगा गांव के अंदर चलता है मनरेगा, आपने सुना होगा नाम। सबसे ज़्यादा अगर कहीं भ्रष्टाचार होता तो इसी में होता है। बीकानेर के अंदर तो ये हालत थी कि वहाँ पे जैसे कोई नरेगा के अंदर जाएगा ना अब लेने के लिए, जॉब लेने के लिए, तो उससे पहले उसका जॉब कार्ड और वो बनवा लेते हैं और अंगूठा साइन करवा लेते हैं, फिर क्या करते हैं सिलिकन कवर बनवा लेते हैं अंगूठे का उसी के फिंगरप्रिंट का और उसको एनरोल कर लेते हैं अपने यहाँ पे, और उसको जो है फेक अटेंडेंस चलती रहती, शाम को अंगूठे में कवर पहना और बायोमेट्रिक लगा दी उसकी और उसके नाम से पैसे उठा रहे हैं। ऐसे फर्जीवाड़े चलते हैं नरेगा के अंदर भयंकर लेवल पे। ऐसा ही कुछ पैसों को लेके फर्जीवाड़ा चल रहा था भीम के वहाँ पे भी, और खूब ज़्यादा जो है इसके अंदर पैसे खाए जा रहे थे, इतने ज़्यादा लोग बाग एनरोल दिखाए गए थे जितने एनरोल थे नहीं वहाँ पे। तो फिर सरकार ने काफ़ी सारे एक्टिविस्ट इकट्ठे हुए, उन्होंने पूछा कि भाई आप हमको डाटा दो कि कितना पैसा सरकार दे रही है, कितना आप उसका यूज़ कर रहे हो, और क्योंकि पैसा जनता का ही है सब टैक्स भरी रहे। पर उन्होंने मना कर दिया बताने से कि भाई हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि आपके पास में कोई अथॉरिटी है नहीं, आपको जवाब देने की हमारे पास में कोई अथॉरिटी है नहीं। तो एक बड़ी फेमस सी एक्टिविस्ट है अरुणा रॉय, अरुणा रॉय ने क्या करा, अरुणा रॉय ब्यावर के अंदर भूख हड़ताल में बैठ गई 40 दिन के लिए और 40 दिन का धरना प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद में जो है गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया कि फाइनली 2005 के अंदर गवर्नमेंट को एक रूल पास करना पड़ा, एक बिल पास करना पड़ा जिसको अपन बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI एक्ट पास हुआ है 15 जून 2005 को बिल पास हुआ है लोकसभा राज्यसभा के अंदर, और फाइनली इसको लागू कर दिया गया 12 अक्टूबर 2005 को जो है इसको लागू कर दिया गया। इस एक्ट के अंदर क्या बातें हैं, तो इस एक्ट के अंदर ये बातें हैं कि आप गवर्नमेंट से जो इन्फॉर्मेशन चाहो वो आप ले सकते हो, गवर्नमेंट आपको देगी, देना मैंडेटरी भी है। अब जब आप कभी जैसे सिविल सर्विसेज के अंदर लॉ पढ़ोगे या जैसे RS के अंदर आप मेंस में लॉ पढ़ोगे तो उसके अंदर RTI एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर चीज़ें लिखी हुई है कि अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगी है किसी ऑफिसर से और वो उसको 30 दिन तक इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो जितना वो डिले करेगा 30 दिन के बाद उसके पर डे के 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग फाइन जमा कराना पड़ेगा उस इंसान को जिसने इन्फॉर्मेशन मांगी, उसको देने पड़ेंगे पैसे, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर को पैसे देने पड़ेंगे। इतनी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो इसका मतलब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले लो, आप जाके पूछो सरकार से भैया कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब लगा रखें बताओ, है ना। तो चीज़ें इसके अंदर भी सरकार ने कुछ क्लॉजेज डाल रखे हैं, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर चीज़ें लिखी हुई है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मैटर है तो उसकी चीज़ें आपको नहीं बताई जाएगी, जैसे डिफेंस की आपको कोई भी बात नहीं बताएंगे, डिफेंस का आप कुछ नहीं पूछ सकते, है ना, कि कहाँ पे आपने कहाँ कहाँ पे कौन सी मिसाइल लगा रखी है, कहाँ कहाँ पे आपके सीक्रेट एजेंट है, कुछ नहीं बताएंगे। और अगर आपने इन्फॉर्मेशन किसी ऑफिसर से मांगी है और उसको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं थ्रेट हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी को तो वो इन्फॉर्मेशन देने से मना भी कर सकता है, पर मना करने के लिए उसको रिटर्न में जो है देना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं दे रहा है। वैलिड रीजन होगा तो फिर एक्सेप्टेंस है, वैलिड रीजन नहीं होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इतना स्ट्रिक्ट इसको लॉ बनाया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके, ताकि लोगों को जो है मालूम पड़ सके कि सरकार के हिसाब से काम कर रही है। अब इसके अंदर अभी क्या करा है,
आरटीए एक्ट के अंदर हमारी जो साइबर सिक्योरिटी की टीम है, जिसको अपन बोलते हैं सीआरटी इन द कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम, आप देखना कभी आपके पास में साइबर फ्रॉड से रिलेटेड मैसेज आते होंगे, इसी से लिखा हुआ होगा सीआरटी इन से, कि आप अगर कोई आपको सस्पिशियस लिंक मिलता है या सस्पिशियस नंबर मिलता है जो फ्रॉड का है, तो आप इस पर जाके अपनी इन्फॉर्मेशन दे, वो सब कुछ हो क्या रहा है कि भारत जो है अब थोड़ा साइबर सिक्योरिटी को थोड़ा ढंग से करता जा रहा है। जैसे अभी हमने बात करी थी कि हमारे यहाँ पे डिफेंस के अंदर जितने भी विंडोज हैं उन सबको हटा दिया, क्योंकि विंडोज़ तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो यूएस के अंदर है सर्वर, तो भारत की डिफेंस वेबसाइट कितनी भी ईजिली हैक कर सकते हैं अपन। तो इसके लिए अभी रिसेंट में भारत ने जितने भी विंडोज है सबको हटा के खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, माया ओएस, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है माया ओएस। भारत ने जो है खुद का एंटीवायरस बनाया इंद्रजाल। तो अब ये है, अब आप इन इससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो आपको मिलेगी नहीं कुछ भी, कि किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, कौन कौन काम कर रहा है, कहाँ कहाँ पे सर्वर बनाया, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको जो है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है आरटीआई एक्ट से। अब आरटीआई के अंदर अगर आप सीआरटी इन से कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो आपको नहीं देंगे, है ना, नेशनल सिक्योरिटी के मामले के तहत इसको जो है मना कर दिया, आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का है उसके तहत, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना, आरटीआई एक्ट के बारे में कब का है 2005 का, ये भी ध्यान रखना, लागू करा था इसको 12 अक्टूबर 2005 से, वो भी लागू करना, वो भी ध्यान रखना। तमिलनाडु पहला राज्य है भारत के अंदर जिसने अपने राज्य के अंदर 1997 के अंदर आरटीआई एक्ट लागू कर दिया था स्टेट लेवल पे, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे पूरे इंडिया के अंदर 2005 में करा, पर तमिलनाडु ने अपने लेवल पे ही 1997 के अंदर इसको लागू कर दिया था, ठीक है, इस वाले एक्ट को, ये ध्यान रखना। एक्ट लिया हुआ कहाँ से है, पूरी दुनिया में सबसे पहले स्वीडन ने लागू करा था इसको 1766 के अंदर, कि हमारे यहाँ पे हर इंसान को जानकारी होनी चाहिए कि सरकार कैसे काम कर रही है, तो स्वीडन ने 1766 के अंदर इसको जो है लागू कर दिया था इस वाले एक्ट को। और भी बहुत सारे, स्वीडन इन चीज़ों के अंदर बहुत आगे है, जैसे आपने लोकपाल का नाम सुना है, लोकपाल, लोकपाल सुना होगा मेरे हिसाब से, अन्ना हजारे का एक बड़ा इवेंट हुआ है लोकपाल, लोकपाल है लोकायुक्त राजस्थान के अंदर, है ना, ओम्बुड्समैन जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में, वो भी स्वीडन से लिया हुआ है लोकपाल है। अगर आप बैंक कोई काम नहीं कर रहा ना आपका, तो देखना बैंक के अंदर एक नाम लिखा होगा बैंक लोकपाल, इसको इन्फॉर्म कर दो आप कि काम नहीं कर रहा बैंक, वो फिर वो हिसाब से देख लेगा अपने हिसाब से बैंक का क्या, वो है ना करप्शन रिलेटेड है ना, बैंक लोकपाल भी होते हैं वो बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है, नहीं वो वैसे भी है, बैंक का भी होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके बाद में अभी अपन बात कर रहे थे कि मलेशिया ने जो है भारत के सिटीजन्स को जो है वीज़ा फ्री कर दिया है, कि भैया जाओ मलेशिया घूम के आओ, पर ध्यान रखना केवल 30 दिन तक अलाउड है, अगर 30 दिन से ज़्यादा अगर आप वहाँ पर रुकते हो, यानी जॉब के पर्पज़ से गए हो या आप बिजनेस के पर्पज़ से गए हो 30 दिन से ज़्यादा, तो फिर वीज़ा लेना पड़ेगा। 30 दिन तक घूम रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 दिन तक वीज़ा फ्री है, आपको नॉर्मल आईडी और वो जो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको देने हैं और उससे काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल दिया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होते हैं आयुष्मान भारत के, जिसके अंदर आयुष्मान के अंदर ट्रीटेड होता है, जैसे योगा का ट्रीटमेंट है इसके अंदर, अपने बात करें आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है, इसको ट्रीटमेंट कराने बहुत जन आते हैं बाहर से, तो उसके लिए वेलनेस सेंटर्स बना रखे हैं। उस वेलनेस सेंटर का नाम चेंज करके अब कर दिया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, अब से इनको जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोलेंगे, आयुष्मान भारत सेंटर जो है वेलनेस सेंटर को आयुष्मान मंदिर बोला जाएगा, आरोग्य मंदिर। RGSS प्राइवेट बैंकों में बंद करा अभी, मतलब कुछ नहीं है अभी, वसुंधरा आ गई, वैसे ठीक है। उसके बाद का अपन जो है कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे आराम से, धन्यवाद।